अस्सलाम वालेकुम, मैं सैनिटी एस्ट्रेक्स में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 7 तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 तक सारे पार्ट्स कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास क्लासिक्स मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 7 जो है हमारे पास लीनियर इक्वेशन लीनियर एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन। मिस्टर अली परचेज अ फ्रिज एंड एन एयर कंडीशनर फॉर आर एस 95,230 का उसने ये लिया फ्रिज और एयर कंडीशन एसी। इफ द कॉस्ट ऑफ द एयर कंडीशन इज आर एस दिस, अगर एयर कंडीशन का जो कास्ट प्राइस है कीमत खरीद इतना है मोर देन द फ्रिज, अगर ये उससे इतना ज़्यादा है फ्रिज से, फाइंड द कास्ट ऑफ बोथ ऑफ आइटम, तो दोनों की आप कीमत मालूम करें। तो चलो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन में जिस चीज़ की कीमत आपके पास नहीं है लेट उसको फर्ज कर लेते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ उसका हम कर लेते हैं एक्स, और कॉस्ट अब हमारे पास हो जाएगा एसी एयर कंडीशन जो है वो इससे 23,000 ज़्यादा है, मोर देन का मतलब है फ्रिज इससे ज़्यादा है, तो ज़्यादा में हम इसमें प्लस कर लेंगे 23,000 अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। अब अगर इसको आप देख लें अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, इन दोनों की जो एसी है और फ्रिज इन दोनों की जो कीमत है वो 95,230 रुपया है, तो इस पर इसने इसको परचेस किया है तो फ्रिज की कीमत एक्स है और इसकी कीमत एक्स प्लस 23,000 है, तो दोनों को मिला के 95,000 हमारे पास 230 आ रहा है। तो यहाँ पर x प्लस ये आपके पास 2x और इसको दूसरी तरफ आप लेकर जाएंगे तो 95,230 माइनस 23,000, तो 2x इक्वल टू, अगर इससे ये आप माइनस करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 95,30 से अगर ये आप निकाल लेते हैं 23,000 और ये आपके पास 2 और ये 72,230 ये आपके पास आ जाएगा। ये आपके पास आ जाए इतनी कीमत इसकी आ जाए तो उसके बाद आपने क्या करना है, अब आप इस पर डिवाइड कर लें 2 पर, तो x इक्वल टू अगर इसको 2 पर आप डिवाइड करेंगे तो 2 3 6 वन इधर 2 6 12 2 1 2 1 2 और 2 5 10 36,000 यानी x की जो वैल्यू आ रही 36,115 गालबन इतनी ये वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास अब इसकी जो कीमत हो जाएगी फ्रिज की कीमत यानी कास्ट ऑफ फ्रिज हमारे पास इतना आ जाएगा और कास्ट ऑफ जो एसी है वो इतना आ जाएगा, x की जगह इसको हम पुट कर लेते हैं तो कास्ट ऑफ फ्रिज हमारे पास 36,115 और कास्ट ऑफ एसी आपके पास इसमें आप उसको प्लस कर लें 36,115 प्लस 23,000, तो ये आपके पास टोटल हो जाएगा यानी 59,115 आर एस 59,100 और आपके पास आ जाएगा 15। ये हमारे पास इसका हो गया सॉल्यूशन। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और उसको भी डिटेल से इसी तरह सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 जो आपके पास है यानी आफ्टर 16 इयर्स आसमा विल बी 28 ईयर ओल्ड फाइंड हर प्रेजेंट एज, तो लेट यानी फ़र्ज करें मौजूदा उसकी जो उम्र है वो हमें नहीं पता, लेट द एज ऑफ, अब उसकी उम्र को आप कर लें लेट यानी द आसमा प्रेजेंट एज आप कर लें लेट यानी आसमा प्रेजेंट एज, उसकी जो मौजूदा उम्र है अगर वो एक्स है तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन आफ्टर 16 ईयर यानी 16 साल बाद, तो इसमें एक्स में आप 16 प्लस कर लें तो उसकी जो उम्र हो जाएगी वो 28 ईयर्स हो जाएगी, तो x इक्वल टू 28 माइनस 16 अगर आप कर लें तो x इक्वल टू
ये आपके पास 2 और ये 1, यही 12 ईयर्स ये आपके पास आ जाएगा। तो आसमास प्रेजेंट एज आपके पास आ जाएगा 12 ईयर्स, ये हमारे पास इसका हो गया सॉल्यूशन। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में आप देख रहे हैं कि व्हेन 5 टाइम्स अ नंबर इज एडेड टू 3 टाइम इटसेल्फ द सम ऑब्टेन इज 48, फाइंड द नंबर। अब हमारे पास नंबर नहीं है तो लेट फर्स करें द लेट यानी एक्स बी द रिक्वायर्ड नंबर। अगर एक्स हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर हो तो देन अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, उसके बाद आपने व्हेन 5 टाइम अ नंबर्स, ये एक्स है, अगर आपके पास वो नंबर एक्स है तो इसको हम 5 टाइम कर लेते हैं। 5 टाइम अ नंबर इज एडेड टू 3 टाइम इटसेल्फ, यानी यही जो नंबर है इसको अब 3 टाइम कर लें। अगर इसको हम 3 टाइम कर लें इटसेल्फ तो हमारे पास इन दोनों का जो सम आ रहा है, इसको जो हमने इसका जो मजमू आ रहा है, सम कहते हैं मजमूए को, वो हमारे पास 48। अगर इन दोनों को हम प्लस कर लेते हैं तो ये हमारे पास 8x इक्वल टू 48 और x इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाय 8 इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड नंबर है, सो द रिक्वायर्ड नंबर इज, सो द रिक्वायर्ड नंबर इज 6, वो आपके पास क्या है, वो आपके पास 6 है। तो ये था इसका सॉल्यूशन। इसके बाद हम जो है इसके बाद नया चैप्टर करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि उसके भी यूट्यूब पर आपको बर वक्त नोटिफिकेशन आए, तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। वीडियो से अगर थोड़ी बहुत हेल्प होती है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।